हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं संकलन अने तेना उपयोगो मींस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इस चैप्टर को थोड़ा टफ माना जाता है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे रूल्स है और उसका अप्लाई करना उतना ही थोड़ा टफ होता है। तो आज के इस वीडियो में कोई एक रूल सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे संकलन के रूल्स दिए हुए, तो रूल नंबर 1 अप्लाई करना सीखेंगे। तो रूल्स क्या है, तो पहली बात करते हैं सिंबल की, जो आपको एस दिख रहा है ना, इसको समेशन कहते हैं। समेशन कहा जाता है इस सिंबल को, और ये लॉन्ग एस है, राइट। तो पहला रूल्स क्या है, यहाँ पर एक्स की पावर एन dx, ये dx मतलब होता है कि x का संकलन किया जा सकता है, यहाँ पर उसकी संभावना है। तो जब x की पावर n हो तो उसका रूल्स क्या है संकलन करने के लिए, x की पावर n प्लस 1 बन जाएगा, मतलब हमको एडिशनल में क्या करना है, प्लस 1 लगा देना है, और अपॉन में क्या है n प्लस 1, मतलब जो यहाँ पर उसकी पावर थी और प्लस जो 1 किया है वही उसके अपॉन में आ जाएगा। और लिखा गया है प्लस सी, सी की जगह आप कोई भी और भी एडिशनल यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपने इक्वेशन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो चलिए इस रूल को अप्लाई करने वाले हम थोड़े सम्स सीखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में सम्स नंबर 1 हम पे ये रूल अप्लाई करेंगे, तो देखते कैसे सॉल्व होगा। तो मैं सम्स राइट डाउन कर देता हूँ। सम्स लिखा गया है 3 एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स की पावर 3 माइनस 5 एक्स की पावर 2 प्लस 3x, और यहां पर लिखा गया dx। तो देखिए इसका संकलन होगा क्या, तो इसका वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, यहां पर जो भी x की पावर है उसमें प्लस 1 एडिशनल हमें कर देना है, ओके। तो अपन में वही आ जाएगा जो यहां पर पावर थी 4 प्लस 1। सेम आगे 4 x की पावर 3, तो प्लस क्या कर देंगे एडिशनल में 1, तो अपन में आएगा 3 प्लस 1 माइनस 5 x की पावर 2 है, जो यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे और अपन में वही 2 प्लस 1 आ जाएगा प्लस 3x। तो यहाँ पर x की पावर 1 है ऑलरेडी और रूल्स के अनुसार प्लस 1 भी हो जाएगा, तो अपन में आएगा 1 प्लस 1। तो सॉल्व करते हैं फाइनल क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 तो पावर कितनी हो गई 5 हो गई, अपॉन में 4 प्लस 1 5, यहाँ पर 3 प्लस 1 4, अपॉन में 3 प्लस 1 4 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगी, अपॉन में भी 3 प्लस 3x, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अपॉन में भी 2। तो ये फाइनल हमारा संकलन हो गया है। तो यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 बाय 4 यहाँ पर कट हो सकता है, तो हमें से कट कर देना, जितना छोटा सो गया उसको हम छोटा कर सकते हैं, बाकी कहीं और चेंजेस हो नहीं रहा है। तो बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे 3x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस ओनली x की 4 ही बचा, राइट, यहाँ पर माइनस 5x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3x की पावर 2 अपॉन 2, और लास्ट में प्लस सी, मीन्स यहाँ पर फंक्शन को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, हमारा हो गया संकलन, ओके, राइट। तो अब एक और सम्स अप्लाई करना सीखते हैं। सम्स नंबर 2, 3 माइनस 2x माइनस एक्स की 4, ओके, तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो मैं यहां पर सम्स राइट डाउन कर देता हूं। सम्स है 3 माइनस 2x माइनस एक्स की 4 dx, तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे, ओके। तो देखिए यहां पर 3, अब यहां पर x की एक भी पावर वैल्यू नहीं है, तो एक x क्या होगा एडिशनल में ऐड हो जाएगा, तो यहां पे एक x एडिशनल हमें कर देना है माइनस 2। अब यहां x की 1 पावर है तो 1 प्लस 1, अपॉन में भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस x के यहां पर 4 पावर है तो 4 प्लस 1, अपॉन में 4 प्लस 1। तो फाइनल आंसर होगा 3x माइनस 2 x की 1 प्लस 1 2 पावर अपॉन में 2 माइनस 4 प्लस 1 x की 5 पावर अपॉन में 5, यहां पर अगेन देखिए 2 से 2 कट हो रहा है तो हमें कट कर देना है, राइट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3x माइनस x स्क्वायर माइनस x की 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी, लास्ट में हमें फंक्शन को क्लोज कर देना है, हमारा फाइनल आंसर। सो अब एक और क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए इस सम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सम्स नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर दिया गया है,
तो पहले क्या करना है कि इस स्क्वायर को हमें सॉर्ट आउट करना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को हमें टू टाइम लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो अब क्या करना है हमें, इसे आपस में हमें इनका इंटू कर देना होगा। तो इंटू कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो एक्स की फोर वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का माइनस वन से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अब माइनस वन का हम इस ब्रैकेट से इंटू करेंगे, माइनस वन का एक्स स्क्वायर से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन का माइनस वन से करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। अभी भी इसे हम और छोटा कर सकते एक्स की फोर या माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन, ये हमारा हो गया dx। अब ऐसे हम इसके बाद हम इसका करेंगे संकलन। तो रूल अप्लाई करते हैं वही हम, तो यहां पर x की 4 वैल्यू तो 4 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 1, माइनस 2x की यहां पर 2 वैल्यू है प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, प्लस यहां पर 1 ही है तो एक x एडिशनल में ऐड हो जाएगा, राइट, एक वैल्यू x की बढ़ जाएगी। तो यहां पर फाइनल आंसर हो गया x की 4 प्लस 1 5 हो गया अपॉन में भी 5, माइनस 2 2 प्लस 1 यहां पर x की 3 अपॉन 3, प्लस यहां पर 1x, ओके, यहां पर ये हमारा हो गया सॉल्यूशन प्लस c। तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा संकलन का फर्स्ट रूल। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।